सोलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूँ आपसे सबसे पहली न्यूज़ के बारे में, सबसे पहली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल के आती है ओप्पो की तरफ से। और दोस्तों, ओप्पो भी अपना एक नया स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर पर लेकर के आने वाला है, जो कि हाल ही में यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ से लॉन्च किया गया है। अब ये जो स्मार्टफोन होगा, बेसिकली इसमें बजट फीचर दिए जाएंगे। देखते हैं प्राइस क्या होने वाली है। यहां पर आपको मिल जाएगी 6.5 इंचेस की FHD प्लस पंच होल डिस्प्ले के साथ में डिस्प्ले, और यहां पर ये जो डिस्प्ले होगी 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ इसे स्मार्टफोन की बात करता हूं प्रोसेसर के बारे में, तो ऑब्वियसली इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट है। आपको ट्रिपल रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ में बैक कैमरा पैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट के साइड में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी है। तो ये पूरी डिटेल है, ओप्पो भी अपना मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर पे एक नया स्मार्टफोन लेकर के आने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है ओप्पो के बारे में? और मुझे लग रहा है कि जो रियलमी 8S स्मार्टफोन आने वाला है डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर पे, उसमें भी सेम टू सेम यही वाले फीचर्स होने वाले हैं। आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों, बात करूं आपसे पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल कर आती है सैमसंग तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A52s। ये जो स्मार्टफोन है, इसके स्पेक्स और रेंडर्स बाहर निकल कर आ चुके हैं। यहां पर जो सैमसंग गैलेक्सी A52s स्मार्टफोन है, बेसिकली एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस की FHD प्लस आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो यहां पर मिलने वाला है Qualcomm Snapdragon 778 का 5G प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा Qualcomm का नया प्रोसेसर है। उसके साथ में यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा पीछे की साइड, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। 4500 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 25 वाट का चार्जर है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये पूरे कंफर्म फीचर्स हैं सैमसंग गैलेक्सी A52s स्मार्टफोन के। अब यहाँ पर बात करो स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो प्राइसिंग भी निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सैमसंग गैलेक्सी A52s स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 39,000 rupees निकल कर आई है। मतलब इतने पैसे में ये सभी फीचर्स, 40,000 rupees में ये सभी फीचर्स दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका लाने का। दोस्तों, बात करूं आपसे पर अगली न्यूज़ के बारे में। अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहां पर निकल के आती है वीवो की तरफ से। वीवो X70 ये जो स्मार्टफोन है, आज यहां पर IMDA सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, जिससे इसका जो लॉन्च है वो यहां पर 100% कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, बात करूं आपसे पर अगली न्यूज़ के बारे में। अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहां पर निकल के आती है Xiaomi की तरफ से। यहां पर Mi 11 Lite NE ये जो स्मार्टफोन है, आज यहां पर सिरीम सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, जिससे इसका जो लॉन्च है वो कंफर्म हो जाता है। और ये जो स्मार्टफोन है, कुछ दिनों से काफी सारे सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो रहा है, जिससे यह कंफर्म होता है कि इंडिया ही नहीं बल्कि ये जो स्मार्टफोन है काफी सारी और भी कंट्रीज में लॉन्च होने वाला है। तो Mi 11 Lite NE 5G स्मार्टफोन जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, बात करूं आपसे पर अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल कर आती है जियो की तरफ से। जियो फोन नेक्स्ट ये जो स्मार्टफोन कुछ टाइम पहले मुकेश अंबानी की तरफ से अनाउंस किया गया था, आज इस स्मार्टफोन के पूरे जो फीचर्स हैं वो लीक होकर के आ चुके हैं, प्रोसेसर वगैरह सभी कुछ। यहां पर कहा जा रहा है कि जो जियो फोन नेक्स्ट आने वाला है, इसमें Qualcomm Snapdragon 215 का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल सकता है। और यहां पर 13 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। आपको HD डिस्प्ले यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। और इस स्मार्टफोन का जो बूट एनिमेशन है वो भी निकल कर आ चुका है, यहां पर आप देख सकते होंगे। जब आप जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन का पावर ऑन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की जो एनिमेशन है वो निकल कर आएगी। यहां पर लिखा हुआ है जियो फोन नेक्स्ट क्रिएटेड विथ गूगल, और नीचे लिखा हुआ रहा है पावर्ड बाय एंड्रॉइड, एंड्रॉइड गो एडिशन पे ये जो स्मार्टफोन है वो काम करने वाला है। तो Qualcomm Snapdragon 215 का प्रोसेसर है, इससे कहीं ना कहीं ये चीजें कंफर्म होती हैं कि ये जो स्मार्टफोन है ये 4000 rupees से ऊपर की प्राइस पे नहीं आने वाला है। 4000 rupees से कम की ही प्राइस पे ये स्मार्टफोन आएगा। इनफैक्ट 3500 rupees के आसपास में इसकी जो प्राइस है वो होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ डिटेल है। अब देखते हैं ये जो स्मार्टफोन है वो किस प्राइस पॉइंट पर आखिर निकल करके आता है। क्या आप यहाँ पर जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करूँ आपसे पर अगली न्यूज़ के बारे में। अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल करके आती है टाटा की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर टाटा जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में घुसने की पूरी तैयारी कर चुका है, और अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टाटा जो है वो एयरटेल और वोडाफोन के साथ में भी पार्टनरशिप कर सकता है इंडिया में काम करने के लिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5G सेक्टर में टाटा काफ़ी हद तक काम करने
वाला है। और जिस तरीके से जियो ने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा ऑफर दिया था, उसी तरीके से टाटा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा शानदार ऑफर लेकर के आ सकता है कि आपको फ्री में इंटरनेट वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं टाटा की तरफ से, जिससे काफ़ी सारे जो कस्टमर हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, इनके सिम कार्ड को परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पर टाटा भी फ्री में कुछ जो सर्विसेज हैं वो स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर सकता है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसी कुछ लीक्स आ रही हैं। देखते हैं आखिर आगे चल के क्या होता है। वैसे अगर टाटा काफ़ी अच्छी तरीके से इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में घुस जाता है तो जियो वगैरह को भी काफ़ी हद तक जो दिक्कत है वो देखने को मिल सकती है। आपका क्या ओपिनियन है टाटा के बारे में, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों बात करूँ आपसे पर अगली न्यूज़ के बारे में, अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है शाओमी की तरफ से। दोस्तों आज यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर गई है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शाओमी यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 3 साल में हम यहाँ पर स्मार्टफोन मार्केट लीडर बन जाएंगे। तो यहाँ पर शाओमी नंबर वन पे आने के लिए काफ़ी हद तक काम कर रही है, और एक तरफ रियलमी काम कर रहा है, रियलमी वाले कहते हैं कि हम यहाँ पर 2021 में ही 5G लीडर होने वाले हैं, हमारे ज्यादातर जो स्मार्टफोन होंगे वो 5G होंगे। एक तरफ Xiaomi कह रहा है कि हम 3 सालों में पूरे स्मार्टफोन मार्केट के लीडर बन जाएंगे। तो इन Realme Redmi के बीच में काफी हद तक कंपटीशन है, बीच में Samsung Apple वगैरह भी हैं। अब देखते हैं आखिर क्या चीजें निकल करके आती हैं। आप इन स्मार्टफोन कंपनियों में से किस स्मार्टफोन कंपनी को ज्यादातर सपोर्ट करते हैं, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल जाते हैं Infinix की तरफ से। दोस्तों आज यहां पर एक रिपोर्ट निकल रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि Infinix पहली ब्रांड होने वाली है जो कि यहां पर MediaTek की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड प्रोसेसर को पहली बार अपने स्मार्टफोन में यूज करेगी, और इस प्रोसेसर का नाम है MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर। तो Infinix का एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जिसमें आपको MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, और दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जो कि Helio G96 प्रोसेसर पे आएगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो मे बी जो Infinix की आने वाली हॉट सीरीज के स्मार्टफोन है उसमें आपको Helio G96 वगैरह के जो प्रोसेसर है वो देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है Infinix के बारे में, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करूं आपसे पर अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है निकल कर जाती है Realme 8i और Realme 8s स्मार्टफोन को लेकर के। दोस्तों यहां पर काफी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या Realme 8i और Realme 8s स्मार्टफोन इंडिया में 18 अगस्त को लॉन्च होने वाले हैं। काफी लोगों का कहना है कि 18 अगस्त को Realme 8i और Realme 8s स्मार्टफोन भी अनाउंस होने वाले हैं। तो देखो यार अभी तक ऐसी कुछ भी डिटेल नहीं है। Realme GT सीरीज के स्मार्टफोन आ रहे हैं 18 अगस्त को, लेकिन 8i 8s आ रहे हैं इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि 18 अगस्त को Realme 8i या फिर Realme 8s स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों बात करूं आपसे पर अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल रहे थे Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन को लेकर के। दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि Redmi भी जल्दी ही MediaTek Dimensity 810 वाले 5G प्रोसेसर का अपने स्मार्टफोन में यूज करने वाली है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो Redmi Note 11 5G स्मार्टफोन आने वाला है उसमें मे बी आपको MediaTek Dimensity 810 का जो प्रोसेसर है वो यहां पर देखने को मिल जाए। अगर Redmi Note 11 आता है Dimensity 810 के साथ में, प्राइस काफी अच्छी होती है, तो स्मार्टफोन काफी अच्छा निकल कर क्या पाएगा। वैसे ये कंफर्म नहीं है, लीक्स हैं, आगे देखते हैं जो Redmi Note 11 सीरीज का स्मार्टफोन है वो किस फीचर्स वगैरह के साथ में आते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये थी कुछ न्यूज जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब आपका क्या कहना है इन सभी चीजों के बारे में, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये था उस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।